थोड़े थोड़े दिनों के बाद ना मेरे अंदर का वो गुजरातन है ना जाग जाती है और फिर मैं गुजरात को बहुत मिस करती हूँ। तो आज हम वापस गुजरात जाते हैं और बनाते हैं खांडवी। तो खांडवी बनाना एक्चुअली इजी है, बस अगर आप थोड़े से टिप्स फॉलो करें और थोड़ा सा पेशेंस रख के बनाएंगे ना तो पक्की बात है कि आपकी खांडवी बहुत अच्छी बनेगी। सो खांडवी बनाने के लिए मैंने यहाँ पे ये 3/4 कप बेसन लिया हुआ है। 3/4 कप मतलब पूरा एक कप में शायद 2 टेबलस्पून कम होता है, उतना ही बेसन लिया है मैंने। ये हम बेसन डाल देते हैं और बेसन के अंदर मैं डाल रही हूँ थोड़ी सी हल्दी, ये 1/2 टीस्पून जितनी हल्दी डाल देंगे और चुटकी जितनी हींग डाल देंगे। अभी ट्रेडिशनल खांडवी के अंदर कुछ भी जैसे कि हरी मिर्च या फिर गार्लिक ऐसा कुछ भी नहीं होता है, तो आज मैं बिल्कुल नहीं डाल रही हूँ क्योंकि मेरी फैमिली जैन फैमिली है तो मैंने बचपन से प्लेन खांडवी ही खाई हुई है, तो आज हम वो कुछ नहीं डाल रहे हैं। और ये मेरे पास फेटा हुआ दही है, ये खट्टा दही है, ये मैं 1 कप दही है वो मैं बेसन में डाल देती हूँ, बार मिक्स कर लेती हूँ पानी डालने से पहले। ये मिक्स करना बहुत ज़रूरी है पानी डालने से पहले, क्योंकि अगर आप पानी डाल दोगे ना तो बैटर बहुत ही रनी बन जाएगा और उसके बाद जो बेसन की बनी हुई गुठलियाँ हैं वो आप कभी नहीं निकाल पाओगे। तो यही टाइम पे आपको ऐसे विग्रसली मिक्स करना है। आप चाहो तो विस्कर से भी कर सकते हो, इलेक्ट्रिक बीटर से भी कर सकते हो, या तो फिर मेरे जैसे नॉर्मल ये चम्मच से भी कर सकते हो। और अब ये मेरे पास 1.5 कप पानी है, नॉर्मल पानी ही है, कुछ ठंडा गर्म का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, नॉर्मल पानी है। मैं ये धीरे धीरे करके ऐड करते हुए मिक्स करती जाती हूँ। ये खांडवी ना एक्चुअली यहाँ पे मैं नहीं बोलूँगी कि मेरी मम्मी बहुत बनाती थी, मेरी मम्मी नहीं बनाती थी, मेरी दादी हमेशा बनाती थी और हमारे घर ना ऐसे पास पास में ही हुआ करते थे तो हम लोग भाग भाग के दादी के घर जाते थे और बल्क में खांडवी बनती थी। इतनी सारी थालियाँ है ना खांडवी की भरी हुई होती थी, बड़ा मज़ा आता था बचपन में देखने के लिए। ये देखिए, ये ऐसे पतला सा घोल तो तैयार हो गया है बेसन का और अब इसको पकाने की बारी है। अरे आपके साथ बचपन की बातें करते करते ना मैं नमक डालना भूल गई, मैं नमक डाल देती हूँ। अब बारी है ये बेसन के घोल को पकाने की। अब ये जो बेसन का घोल है मैं एक कढ़ाई में ले लेती हूँ, एकदम ही मीडियम रखना है और हमें ये घोल को कंटिन्यूसली स्टर करते जाना है, क्योंकि ये बेसन है ना तो ये एक तो गुठलियाँ पड़ना शुरू हो जाएगा अगर आप कंटिन्यूसली स्टर नहीं करेंगे तो, और दूसरा नीचे चिपकना शुरू हो जाएगा। ये एक्सरसाइज आपको एटलीस्ट 10 मिनट तक करनी पड़ेगी, ये घोल को पकने के लिए 10 मिनट तो लगेंगे पर ट्रस्ट मी एंड रिजल्ट ना बहुत यम्मी होता है। ये घोल ना मैं 2 मिनट से पका रही हूँ और थोड़ा थोड़ा थिक होने लगा है। ये देखिए ये अभी काफ़ी गाढ़ा हो रहा है, इसको स्टर करते रहना है। ये मुझे स्टर करते हुए ऑलमोस्ट 10 मिनट हो चुके हैं। अब हम एक बार चेक करते हैं कि बैटर रेडी है कि नहीं है खांडवी के लिए। तो मैं एक चम्मच से, आप कुछ भी आप ले लीजिए, स्टील का कोई बर्तन थाली, और उस पर हल्का सा तेल लगा दीजिए और इसको हम स्प्रेड कर देंगे बैटर को। फिर हम 2 मिनट के लिए छोड़ देंगे थोड़ा सा ठंडा हो जाए इसके लिए। और अब मैं ये फोल्ड करने की कोशिश करती हूँ, अगर फोल्ड हो रहा है दैट मीन्स के बैटर रेडी है। ये देखिए, नहीं ये इतने अच्छे से फोल्ड नहीं हो रहा है, दैट मीन्स और 2 मिनट मुझे ये बैटर को पकाना पड़ेगा। ये खांडवी का घोल पकते हुए कम से कम मुझे 12 से 13 मिनट लगे थे। ये मैंने जब रोल करके दूसरी बार चेक किया ना तो ये रोल बनने लगे थे, दैट मीन्स के खांडवी का घोल रेडी है। अब हम इसको प्लेट में स्प्रेड करते हैं। ये खांडवी का घोल मैं यहाँ पे ले लेती हूँ और अब आपके पास 2-3 ऑप्शन है कि जैसे कि मैं यहाँ पे, ये मेरे पास स्टील की थाली मैंने ली है
जिसके आगे पीछे दोनों तरफ मैंने ऑयल लगा दिया है। आप ऐसे भी यूज़ कर सकते हैं, या तो फिर कोई प्लास्टिक को बिछा के आप उसके ऊपर भी ये घोल स्प्रेड कर सकते हैं, क्लिंग फिल्म पे भी कर सकते हैं, जो प्लास्टिक रह पाता है ना उस पे भी कर सकते हैं। तो मैं अभी ये थाली पे लगा देती हूँ। अब मैं थोड़ा सा बैटर लेके ये प्लेट पे डाल देती हूँ और स्प्रेड कर लेंगे, एकदम पतला सा स्प्रेड करेंगे हम। ये वाली प्लेट पे पीछे भी ये बैटर फैला दूंगी। ये जो मैंने फैलाया है ना, ये थोड़ा सा मेरे से मोटा फैल गया है। अगर आप इससे भी पतला फैला सकते हैं ना, तो आपकी जो खांडवी है वो बहुत ही अच्छी बनेगी। और अब मैं ये ऐसे कट लगा देती हूँ। जितनी बड़ी साइज की आपको खांडवी चाहिए ना, वो साइज के आप कट लगा दीजिए। मैं रोल करने की कोशिश करती हूँ। ये देखिए, ऐसे बस आपको रोल करते जाना है। कोई बात नहीं अगर आपकी खांडवी बीच बीच से टूट जाती है, क्योंकि जब आप ओवरलैप करेंगे ना, तो देखिए ये दूसरा एकदम साफ रोल निकल रहा है। बस ऐसे ही सारे रोल्स मैं निकाल देती हूँ। ये देखिए कितनी सुंदर खांडवी बाहर आई है ना, और ये कितना क्लीन भी साफ एकदम हो गया है। ये देखिए ये कितनी सुंदर खांडवी निकली है ना। अभी देखिए, आपको अगर इतनी ही खांडवी चाहिए ना, तो आप बीच में से कट करके बस इतनी ही खांडवी आप कर सकते हैं। और आपको ऐसे पूरा रोल चाहिए तो आप पूरा रोल भी बना सकते हैं, जैसे कि आज मैं बना रही हूँ। ये देखिए ये देखिए, ये जो सीधे वाली साइड पे भी हमने फैलाया था ना, वो वाली खांडवी हम निकाल रहे हैं। ये देखिए क्या खांडवी के रोल निकल रहे हैं। रोल्स तो रेडी हो गए हैं। ये देखिए मेरी थाली क्या साफ हो गई है ना। और अब बनाते हैं खांडवी का तड़का। पैन में मैं 1 टेबल स्पून तेल डाल देती हूँ, और अब इसके अंदर मैं डाल देती हूँ कुछ राई के दाने। ये 1 टीस्पून जितना राई होगा, पिंच जितना हम हींग का पाउडर डाल देंगे। डाल देती हूँ कुछ हरी मिर्च, और मैं कुछ कड़ी पत्ते भी डाल देती हूँ। तड़का तो रेडी है, अब हम पोर करते हैं खांडवी पे। अब ये तड़का हम खांडवी पे डाल देते हैं। और ये मेरे पास फ्रेश वाला कोकोनट है, और मैं कुछ कुछ धनिया रख देती हूँ खांडवी के ऊपर। तो लीजिए, तैयार है मेरे गुजरात से आई हुई खांडवी। ये एक खांडवी बच चुकी है ना, वो मेरे लिए है। इसके ऊपर तड़का, और मैं ढेर सारा धनिया डाल के खाऊंगी। चीयर्स। बचपन